हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी लेके आप सबके सामने आई हूँ। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई, वो भी दो तड़कों के साथ। तो चलिए हम बनाते हैं दाल फ्राई। ये मैंने साबुत मूंग लिए हैं और इधर मैंने ये चने की दाल ली है। इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया था, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको साफ कर लिया था मैंने। और अब हम इसे पानी के अंदर भिगोएंगे। ये देखिए, मैंने एक बर्तन में मूंग डाल लिए हैं जिसको मैंने साफ करके रखा था, और अब इसको मैं भिगोऊंगी। इसके अंदर मैं अब ये चने की दाल डाल दूंगी। आप मूंग को ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं और 4-5 घंटे के लिए भी। और इसके अंदर मैंने ये पानी डाल दिया है, इसको मैं अब छोड़ दूंगी और फिर हम इसकी दाल बनाएंगे। ये देखिए, 4-5 घंटे बाद मूंग और चने की दाल हमारी फूल चुकी है। ये मैंने कुकर लिया है, इसके अंदर मैंने दोनों दालों को 4-5 बार धोकर ये डाल दिया है। साफ पानी से धोकर इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं ये पानी डाल दूंगी। दाल डूबे इतना ही आप पानी डालें। ज़्यादा पानी डालने से सीटियाँ जब आती हैं, जब पानी बाहर निकलता है। ये देखिए, दाल से थोड़ा सा ऊपर ही मैंने इसके अंदर पानी डाला है और गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम नमक के डालेंगे और मैं इसको मिक्स कर दूंगी। अब इसको हम लीड नहीं लगाएंगे, यानी कि कुकर का ढक्कन अभी बंद नहीं करेंगे। अब मैं इसको प्लेट से ही ढक दूंगी। दाल में जब उबाल आएगा, ये देखिए हमारी दाल में उबाला आ चुका है और इसके अंदर ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर से ये झाग झाग से आए हैं, ये हमें हटाने हैं। ये देखिए, ये झाग हमारी दाल के टेस्ट को ख़राब कर देते हैं। अच्छी तरह से हटा लें आप इनको। और इसके अंदर मैं अब 1 से 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल की डाल दूंगी। ये तेल डालने से एक तो हमारी दाल चिकनी बनती है और दूसरा जब सीटियाँ आती हैं तो पानी बाहर नहीं आएगा। ये देखिए, मैंने अब ढक्कन को लगा दिया है। अब इसके अंदर तकरीबन हमें 4 सीटियाँ लगवानी हैं और फिर फ्लेम को आप लो कर दें और 10 से 15 मिनट के लिए आप सिम गैस पे इसको पकाएं। इधर मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। ये मैंने लहसुन लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया था। ये 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया था जिसको मैंने चॉप कर लिया है। ये हरी मिर्चों को भी मैंने बारीक काट लिया है और ये प्याज को भी मैंने बारीक काट लिया है। ये 1 बड़ा टमाटर लिया था जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये कुछ सूखे मसाले हैं जो हम दाल में डालेंगे। ये गरम मसाला है, हींग और रिफाइंड ऑयल। ये देखिए, इधर हमारी दाल भी अच्छी तरह से भूट कर तैयार हो चुकी है। और इधर मैं तड़के की तैयारी करूंगी। ये मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रख दिया है और मैं इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल की डाल दूंगी। आप घी में भी, देसी घी में भी तड़का लगा सकते हैं। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर मैं जीरा डालूंगी। ये देखिए, मैंने 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया है।
अब इसके अंदर मैं ये हाफ चम्मच हींग की डाल दूंगी। हींग से दाल में फ्लेवर अच्छा आता है। और दोनों को आप अच्छी तरह से पका लें। देखिए हींग और जीरा हमारा भून चुका है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ये कटे हुए लहसुन डाल दूंगी। आप इधर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। और हल्का सा ब्राउन होने तक हमने लहसुन को पकाना है। चम्मच से इसको हिलाते रहें। हमारा लहसुन पकना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर मैं अदरक और हरी मिर्च डाल दूंगी, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और 2 मिनट के लिए इनको भी भून लूंगी। ये देखिए हमारे अदरक और मिर्च भी भून चुकी हैं। अब इसके अंदर मैंने ये प्याज डाल दिया है, प्याज को भी आप अच्छी तरह से भून लें। इस दाल को आप चावल के साथ, रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी हमारी दाल बनकर तैयार होती है। प्याज को हल्का भूरा होने तक आप भूनते रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जो मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और नई वीडियो आपके तक पहुंच सके। ये देखिए हल्का हल्का भुनना शुरू हो चुका है प्याज हमारा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अब इसके अंदर ये टमाटर प्यूरी डाल दूंगी मैं, और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। गैस का फ्लेम आप लो ही रखें। अब इसके अंदर हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। ये हल्दी पाउडर लिया है मैंने, कुछ हल्दी हमने दाल को उबालते हुए भी डाली थी, अब थोड़ी सी हल्दी मैं इसके अंदर डालूंगी। और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। ये मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, क्योंकि नमक हमने उबालते हुए भी दाल के अंदर डाला था, तो आप थोड़ा ध्यान से ही डालें और अपने टेस्ट के अनुसार ही नमक को डालें। इन मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और ये 1 चम्मच मैंने गरम मसाले के लिए है, ये डाल दूंगी। और सारे मसालों को आप अच्छी तरह से भून लें, जब तक ये तेल छोड़ना शुरू ना कर दें। ये देखिए मसाले हमारे भुनने शुरू हो चुके हैं। अब गैस का फ्लेम लो ही रखें। ये देखिए हमारे मसाले भुन चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ये दाल डाल दूंगी, जिसको हमने पका के रखा था।
मसाले और दालों को आप अच्छे तरह से मिक्स कर लें। देखिए और ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दें। हमारी दाल में उबाल आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 2 तड़कों के साथ दाल को तैयार करेंगे। ये पहला तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं दूसरा तड़का और इसके अंदर लगाऊंगी। ये मैंने एक छोटा सा फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर मैं ये देसी घी डालूंगी 2 चम्मच। जब घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो आप अच्छी तरह से गरम कर ले। देखिए घी हमारा मेल्ट होना शुरू हो चुका है। मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने ये 1/2 चम्मच जीरा की डाल दी है। जब जीरा हमारा चटकने लग जाए, ये देखिए इसके अंदर मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च की डाल दी है और 2 मैंने इसके साबुत लाल मिर्च डाल दी है। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फ्लेम को ऑफ कर दें। अब ये तड़का मैं इस दाल के अंदर डालूंगी। ये देखिए दाल हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। और तड़के को मिक्स कर दें। ये देखिए सर्विंग बाउल में मैंने दाल को डाल लिया है और इसके अंदर आप नींबू को ज़रूर डालें, इससे दाल में और भी अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए हमारी दाल फ्राई बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे चावल के साथ, रोटी परांठे के साथ एंजॉय करें और मुझे जरूर